नमस्कार, आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन के पराठे। सोयाबीन की सब्जी तो आप सब बहुत बनाकर खाए होंगे, लेकिन आज हम सोयाबीन के पराठा बनाने वाले हैं। सोयाबीन के पराठे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसे आप नाश्ते में या फिर लंच डिनर पर बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पराठे बनाना। पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 50 ग्राम सोयाबीन लिया है। तो पहले हम सोयाबीन को गर्म पानी में भिगोएंगे। यहाँ पर हमने आधा लीटर पानी गर्म करके लिया है। अब इसी में हम सोयाबीन डालकर भिगोएंगे। गर्म पानी में सोयाबीन जल्दी से फूल जाते हैं, इसलिए हम इसे गर्म पानी में भिगो रहे हैं। अब इसी तरह हम सोयाबीन को 5 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे फूल जाएं। जब तक सोयाबीन फूल रहे हैं, तब तक हम आटे गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। पराठे के लिए हमने यहाँ पर 1 कप गेहूँ का आटा लिया है। आटे में हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच नमक। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथ लेते हैं। सोयाबीन के पराठे के लिए हम आटे को नरम गूंथेंगे, हमें आटे टाइट नहीं गूंथना है। आटे को गूंथकर हमने तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इतना नरम आटा हमने गूंथा है। अब आटे को हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। और अब हम सोयाबीन की तरफ चलते हैं। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं सोयाबीन फूलकर बड़े बड़े हो गए हैं। अब इसे हम छानकर निकाल लेते हैं। अब इसमें हम ठंडा पानी डालकर साफ करेंगे। सोयाबीन को हमने ठंडा पानी से साफ करके पानी निचोड़ दिया है। अब सोयाबीन को हम पीसेंगे। इसे हम जार में डालकर पीस लेते हैं। सोयाबीन को हमने पीसकर बर्तन में निकाल लिया है। अब हम फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग के लिए हम पैन में 1 छोटी चम्मच तेल डालकर गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डालकर भूनेंगे। इसी में थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन डालेंगे। जीरा लहसुन को हम सुनहरे रंग में भून लेते हैं। लहसुन जीरा दोनों अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम हल्का नरम होने तक भूनेंगे। इसे हमें सुनहरे रंग में नहीं भूनना है। अब प्याज हल्के भूनकर नरम हो गए हैं। अब इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डालकर मिलाएंगे। नमक को हमने प्याज में मिला लिया है। अब इसमें हम सोयाबीन को डालेंगे। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब मसाले को सोयाबीन में मिलाते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ मसाले को हमें सोयाबीन में मिलाकर 2 मिनट तक पकाना है, जिससे सोयाबीन में मसाले अच्छे से मिल जाएं। सोयाबीन में मसाले को हमने मिलाकर पका लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिलाएंगे। पराठे के लिए फिलिंग बनकर तैयार हैं। अब गैस को हम बंद करेंगे और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। फिलिंग को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम आटे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आटे अच्छे से फूलकर सेट हो गए हैं। आटे फूलने के बाद और मुलायम हो गए हैं। अब आटे को मसलकर पराठे के लिए लोई बनाएंगे। इसमें हमें फिलिंग करना है, इसलिए हम थोड़े बड़े साइज के लोई बना रहे हैं। लोई को दाब कर चपटा कर लेते हैं। अब इसे हम सूखे आटे में लपेटेंगे। सूखे आटे में लपेटने के बाद इसे हम फैलाकर कटोरी जैसा बना लेते हैं। अब इसके अंदर हम सोयाबीन का फिलिंग करेंगे। लगभग 2 चम्मच हम सोयाबीन को भर देते हैं इसके अंदर। फिलिंग हम उतना ही करेंगे, जिससे हमें पैक करने में आसानी हो। अब इसे हम चारों तरफ से अच्छे से पैक कर देते हैं। जो ऊपर का एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देते हैं। अब इसे हम बोर्ड पर रखकर चपटा करके हल्का से फैलाएंगे, जिससे इसके अंदर का फिलिंग चारों तरफ से फैल जाए। अब इसे हम सूखे आटे में लपेटेंगे।
अब हल्के हाथ से हम पराठे बेल लेते हैं। इसे हम बहुत ज़्यादा दाब कर नहीं बेलेंगे, हल्के हाथ से हम पराठे को बेल लेते हैं जिससे फिलिंग बाहर ना निकले। पराठे को हमने बेल लिया है, अब इसी तरह हम बचे हुए आटे का पराठा बेल लेते हैं। अब पराठे को हम सेक कर आपको दिखाते हैं। पराठे सेकने के लिए गैस पर हमने तवा रख दिया है, तवे पर हम तेल लगाकर तवा गरम कर लेते हैं। तवा गरम हो गया है, अब इस पर हम पराठे डालकर एक साइड से सिकने देते हैं। पराठा नीचे सिक गया है, अब इसको हम पलटकर इसके ऊपर तेल लगाएंगे। पराठे हम तेल में बना रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो पराठे को घी में भी बना सकते हैं, उससे भी पराठे अच्छे बनते हैं। अब इसे हम पलटकर दूसरी साइड तेल लगा देते हैं। आप देख सकते हैं पराठे में तेल लगाने के बाद किस तरह से फूल रहे हैं। अब इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में पलटकर सेक लेते हैं। गैस को हमने मीडियम में किया है, पराठे को हम मीडियम आंच पर सेक रहे हैं। मीडियम आंच पर पराठे को सेकने से अंदर तक अच्छे से सिक जाते हैं और पराठे सेकने के बाद भी मुलायम बने रहते हैं। आप देख सकते हैं पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी बचे हुए पराठों को सेकेंगे। पराठे को आप जब भी सेकें तो तेज आंच पर न सेकें। तेज आंच पर पराठे सेकने से ऊपर से जल जाते हैं और अंदर से भी कच्चे रह जाते हैं, इसलिए पराठे को आप मीडियम आंच पर सेकें, इससे पराठे आपके अच्छे बनेंगे। ये वाला भी पराठा सिक गया है, अब इसे भी उसी प्लेट में रखेंगे। आप देख सकते हैं एक एक करके हमने एक कप गेहूं के आटे में चार पराठा बनाया है। ये हमारा सोयाबीन का पराठा बनकर खाने के लिए तैयार है। एक पराठा हम आपको काट करके दिखाते हैं कि इसके अंदर का फिलिंग कैसा बना है। यह पराठा बहुत ही मुलायम बना है, आप देख सकते हैं पराठे के अंदर फिलिंग चारों तरफ से हुआ है। इस तरह के पराठे आप अपने घर पर बनाकर सब्जी दही चटनी के साथ खा सकते हैं। यह पराठा बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। यह पराठे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं।